नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आप सबको नमस्कार। आज दूसरे वाले लॉकडाउन का आखिरी दिन है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ छूट दी जा रही हैं। उनमें से क्या छूट रखनी है, क्या छूट नहीं रखनी है, इसके ऊपर दिल्ली सरकार में हम लोगों ने पिछले 2 दिन में काफ़ी गहन सोच विचार किया और हमने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार ने जो भी छूट, पूरे दिल्ली को केंद्र सरकार ने रेड जोन डिक्लेयर किया है। रेड जोन में केंद्र सरकार ने जितनी छूट अलाउ की है वो सभी छूट हम लोग दिल्ली के अंदर अलाउ करने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है मैं संक्षेप में अभी आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसके तुरंत बाद आपको एक डिटेल्ड प्रेस रिलीज़ जारी की जाएगी, जिससे आपको और इसके बारे में, और थोड़ी देर के बाद ऑर्डर्स भी हो जाएंगे इसके बारे में, फॉर्मल ऑर्डर्स, तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या अलाउ किया जा रहा है। लेकिन एक रूपरेखा मैं आप सब लोगों के सामने रख देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। कई सारे सरकारी जो एसेंशियल सर्विसेज से डील करते हैं सरकारी दफ्तर, उन एसेंशियल सर्विसेज वाले सरकारी दफ्तर में 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन दूसरे सरकारी दफ्तरों में जो एसेंशियल सर्विसेज से डील नहीं करते, वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक, डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबाव 100% आएंगे लोग, और उसके नीचे वाले स्टाफ में 33% स्टाफ आएगा। कल से दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिसेज खोले जाएंगे, लेकिन प्राइवेट ऑफिसेज केवल 33% स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। लेकिन जो जो चीज़ें इस वक्त अलाउ नहीं की जा रही, एयर ट्रैवल, रेल ट्रैवल, मेट्रो बंद रहेंगी और अंतर्राज्यीय बसें बंद रहेंगी। अंतर्राज्यीय बसें भी और विद इन दिल्ली भी, दिल्ली के अंदर भी बसें नहीं चलेंगी और एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बसें भी नहीं चलेंगी। इस दौरान अगले 2 हफ्ते स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, जितनी भी शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं वो सभी बंद रहेंगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, सभी तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज वाले हैं सभी होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, और जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है, जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिमनेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सभी बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल या किसी भी तरह की अन्य गैदरिंग वो बंद है, उस वो अलाउ नहीं की जाएंगी। जो धार्मिक संस्थान हैं वो सभी बंद रहेंगे। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स, ये सब बंद रहेंगे। नाई की दुकान, बार्बर शॉप्स, स्पाज एंड सलून्स, ये भी बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का बाहर निकलना बंद रहेगा, अनलेस आपको कोई एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर निकलना हो, कोई ज़रूरी मेडिकल सर्विस है, इस तरह से कोई चीज़ के लिए जब निकलना हो तो अलग बात है, कोई बीमार हो जाए, अदरवाइज शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलना बंद रहेगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं या जिन लोगों को कोमोर्बिडिटी है, कोई और बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, सांस की बीमारी है, ऐसे लोगों को, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको, और जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, इन लोगों को घर में रहना चाहिए, इन्हें घर में रहना होगा, क्योंकि इनको कोरोना ज़्यादा होता है, और अगर कोरोना हो जाए तो
जानलेवा इनके लिए साबित हो सकता है। तो चार किस्म के लोग हैं जिन्हें घर में रहना होगा अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए। उसके अलावा उन्हें घर में रहना है जो 65 साल से उम्र ऊपर की उम्र के हैं, जिनको कोई और बीमारी है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, मैकेनिक हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे घर में काम करने वाले बाई आती है, लॉन्ड्री है, धोबी है, प्रेस वाला है, इस तरह के जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उन लोगों को काम करने की इजाज़त है। उनको सबको काम करने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा जितने मॉल्स हैं, जितने मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं और जितने मार्केट हैं, जैसे कनॉट प्लेस है, करोल बाग है, खान मार्केट है, नेहरू प्लेस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये बंद रहेंगे। लेकिन इन मार्केट्स के अंदर जो ज़रूरी सामान की चीज़ों की दुकानें हैं, एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं, वो सारी खुली रहेंगी। चाहे कोई मार्केट हो, चाहे मार्केट कॉम्प्लेक्स हो, ज़रूरी सामान की चीज़ें खुली रहेंगी और किताबों की स्टेशनरी की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, जो नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स हैं और जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शॉप्स हैं, वो सारी खुली रहेंगे। वो चाहे एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हों, चाहे नॉन एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हों, कोई भी शॉप्स हों। कई लोग मेरे पास कल से मैसेजेस फ़ोन्स आ रहे हैं कि इस चीज़ की दुकान खुलेगी क्या, उस चीज़ की दुकान खुलेगी क्या, ये वाली दुकान खुल। तो मार्केट मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जो दुकानें हैं उनमें चाहे कोई भी सामान हो, किसी भी तरह का सामान हो, वो सारी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुला रहेगा, आईटी से रिलेटेड सर्विसेज की सभी ऑफिसेज खुले रहेंगे, कॉल सेंटर खुले रहेंगे, डेटा सेंटर्स खुले रहेंगे, वेयरहाउसिंग सर्विसेज खुले रहेंगे, कोल्ड स्टोरेज खुले रहेंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी वाले और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज खुले रहेंगे। इसके अलावा सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे, जहाँ जहाँ एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस मतलब जो वहाँ पे अंदर जाने की, बाहर आने की, जहाँ जहाँ कंट्रोल है। तो लगभग सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे। इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विस, एसेंशियल गुड्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो चाहे इंडस्ट्रियल एस्टेट में हो, चाहे इंडस्ट्रियल एस्टेट के बाहर हो, दवाई बनाने वाली फार्मा की कंपनियां, मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली, उनके रॉ मटेरियल बनाने वाली, इंटरमीडियरी बनाने वाली, या उसकी सप्लाई चेन से संबंधित कोई भी चीज़ें जो हैं, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली रहेंगी। आईटी हार्डवेयर से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली रहेंगी, पैकेजिंग मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स खुली रहेंगी। इसके अलावा ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ केवल एसेंशियल गुड्स में परमिटेड है, नॉन एसेंशियल में ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ परमिटेड नहीं है। लोगों के आने जाने का कैसे है? तो अगर आप चार पहिया व्हीकल में हैं तो ड्राइवर के अलावा दो लोग और गाड़ी में अलाउड हैं, लेकिन आपको केवल परमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए सड़क पर आना अलाउड है। और अगर आप दो पहिया व्हीकल पे हैं तो आप केवल अकेले जा सकते हैं, आपके पीछे बैठ के कोई नहीं जा सकता, अकेले दो पहिया व्हीकल पे अलाउड है, लेकिन केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए परमिटेड है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ केवल इन सीटू कंस्ट्रक्शन, मतलब कि मजदूरों के आवागमन की इजाज़त नहीं है। अगर मजदूर वहीं रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, उस केस में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउड है। जो अगर शादी होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 लोगों से ज़्यादा शादी में लोग नहीं होने चाहिए। अगर कोई किसी की मौत हो जाती है तो उसमें
20 लोगों से ज़्यादा लास्ट राइड्स के लिए अलाउड नहीं है। पब्लिक प्लेसेस पे थूकना स्ट्रिक्टली मना है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ अलाउड है, सोइंग, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर सप्लाई चेन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी अलाउड हैं। फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी अलाउड हैं। बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज़, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और जितना गुड्स कैरियर से संबंधित, सामान से संबंधित, यात्रियों का बसें वगैरह अलाउड नहीं है, ऑटो वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन अगर सामान का, गुड्स का ट्रैफिक जो है वो सारा परमिटेड है। इसकी डिटेल्ड प्रेस रिलीज अभी जारी कर दी जाएगी और डिटेल्ड ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, जिससे आपको और सारी जानकारी मिल जाएगी। मैंने मोटी मोटी रूपरेखा आप लोगों के समक्ष रखी है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि लॉकडाउन लागू करना बहुत ज़रूरी था। केंद्र सरकार ने जो 24 मार्च को लॉकडाउन किया वो बहुत ज़रूरी था। उस वक्त अगर हम लॉकडाउन न करते तो देश के अंदर भयावह स्थिति हो सकती थी, क्योंकि उस टाइम देश कोरोना से डील करने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त हमारे पास पीपी किट्स नहीं थे, टेस्टिंग किट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, अस्पताल तैयार नहीं थे, लोग तैयार नहीं थे, सोशल डिस्टेंसिंग का आइडिया नहीं था लोगों को। अब डेढ़ महीने के बाद, लगभग डेढ़ महीना हो गया, डेढ़ महीने के बाद मुझे लगता है कि हम लोग, कम से कम दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली आज लॉकडाउन खोलने के लिए तैयार है। पूरे दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है। अभी तक हमने जितनी भी केंद्र सरकार से गाइडलाइंस आई, अच्छी गाइडलाइंस आई, बहुत अच्छी गाइडलाइंस आई, हमने सबका पालन किया। लेकिन अब पूरे दिल्ली को रेड जोन में कर देने से दो बड़ी समस्याएं पैदा हुई। एक तो जनता को बहुत तकलीफ है, जनता के रोजगार चले गए हैं, दुकानें बंद हैं, उससे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इंडस्ट्री बंद है और बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं, लोग दिल्ली छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। अब इससे पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है और बहुत ज़्यादा दिन हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ जब सारी अर्थव्यवस्था बंद है तो सरकार का रेवेन्यू आना बंद हो गया है, तनख्वाहें कहाँ से देंगे, सरकारें कैसे चलेंगी, बिल्कुल बंद हो गया सरकार का रेवेन्यू आना। पिछले महीने अप्रैल के महीने में हर साल 3,500 करोड़ का रेवेन्यू आया करता था, इस बार केवल 300 करोड़ का रेवेन्यू आया है। इससे तो तनख्वाहें नहीं दी जा सकती, सरकार कैसे चलेगी। तो अब अर्थव्यवस्था का बड़ा संकट पैदा हो रहा है। तो मेरा अपना ये मानना है कि लॉकडाउन के पीरियड को हमें तैयारी करने के लिए, कोरोना की तैयारी करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, अब कोरोना आ गया है, कोरोना रहेगा, कोरोना जीरो हो जाएगा, कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं होगा, आगे कोरोना कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो रहा, ये संभव ही नहीं है। अब हमें कोरोना से जीने की, कोरोना के साथ जीने की तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी आदत डालनी पड़ेगी, सरकारों को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जनता को इसकी, हम सबको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, देश को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आज दिल्ली इसके लिए तैयार है, हमने पर्याप्त उपाय कर लिए हैं, पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली हैं, अस्पतालों का इंतजाम कर लिया है, किट्स का इंतजाम कर लिया, सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। अगर लॉकडाउन पूरी तरह से दिल्ली में खोल दिया जाता है, हमने सुझाव दिया है केंद्र सरकार को कि जो जो कंटेनमेंट जोन हैं दिल्ली के अंदर, लगभग 97 कंटेनमेंट जोन्स बचे हैं, जो जो कंटेनमेंट जोन हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया जाए और बाकी दिल्ली को ग्रीन कर दिया जाए, बाकी दिल्ली के मार्केट खोल दिए जाएं। मार्केट में चाहे तो ऑड इवन कर दें, एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगे, एक दिन इवन दुकानें खुलेंगी, लेकिन अब दिल्ली को खोलने का समय आ गया है, हम उसके लिए तैयार हैं, हम केंद्र सरकार से बात भी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द दिल्ली के मार्केट भी खुलेंगे, अर्थव्यवस्था भी खुलेगी। ऐसा होने से थोड़े केस बढ़ेंगे, लेकिन जो केस बढ़ेंगे उसको हम, उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा दो मकसद हैं, पहला मकसद है कि किस तरह से
दिल्ली के अंदर कोरोना से होने वाली डेथ्स को कम किया जाए, और हम अभी तक काफ़ी कम करने में सक्षम रहे हैं, सफल रहे हैं। और दूसरा है कि कोरोना को कैसे फैलने से रोका जाए, वो बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमें पता चल सके कौन बीमार है, कौन बीमार है, उसको उसको लाई इलाज करें और उसको ठीक करके उसके घर भेजें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आगे केंद्र सरकार को भी मनाने में सफल होंगे, और ये लॉकडाउन का पीरियड जो है, इसमें जो जो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, इन रिलैक्सेशंस से आप लोगों को सबको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।